दमोह से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बेटे के माता पिता उसके अंतिम क्रियाकर्म के लिए पुलिस से उसकी अस्थियां मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अस्थियां नहीं दे रही है। अस्थियां मांगने की प्रक्रिया को 2 महीने से ज्यादा का कम समय हो चुका है और एक पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक ना कर पाने के लिए मजबूर है। अस्थियां ना देने के पीछे की वजह मृतक बच्चे और माता पिता का DNA मैच न कर पाना है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे साथ खास रिपोर्ट, अस्थियों के लिए भटक रहे माँ बाप। दमोह में सामने आया अजीबोगरीब मामला, DNA नहीं हुआ मैच तो पुलिस नहीं दे रही अस्थियां। माता पिता इकलौते बेटे की अस्थियां लेने के लिए हो रहे परेशान। 29 मार्च से लापता बेटा 14 मई को मिला। परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया थाने के तहत आने वाले पिपरिया छक्का गांव में रहने वाले बड़े किसान लक्ष्मण पटेल का इकलौता बेटा जयराज पटेल 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था और दमोह के सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ता था। बीते 29 मार्च को जयराज अपने गांव पिपरिया में था और अचानक गायब हो गया। परिवार के लोगों ने तलाश की लेकिन बच्चा नहीं मिला। पथरिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई। पुलिस तलाश में जुटी थी और पीड़ित परिवार ने जिले भर में पोस्टर लगाकर पता लगाने वाले को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा भी की थी, लेकिन ये सब काम नहीं आया। बीते 14 मई को पिपरिया गांव में ही एक खेत में नरकंकाल बरामद हुआ और उनके पास कपड़े भी मिले, जिसे लापता बच्चे के माता पिता ने पहचान लिया और वो ये मान चल रहे हैं कि ये नरकंकाल उनके बेटे जयराज का ही है, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार का आरोप है उनके परिवार में ही जमीन को लेकर विवाद है और उनके अपनों ने ही इकलौते बेटे को मौत के घाट उतारा है। पापा किसान थे तो वो छुट्टी था तो खेत से गांव आया था तो इनको छोड़ने खेत गए और खेत से इनको छोड़ के घर आया तो उनके छोटे भाई थे, उनका पुत्र था, उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने जी खेत में थे और यहाँ आया तो उन लोगों ने क्या किया ये नहीं पता, कैसे मारा, कहाँ मारा, लेकिन मारा उन्हीं लोगों ने। अमूमन ऐसे मामलों में मृतक की शिनाख्त के बाद शव या नरकंकाल मिलने की दिशा में उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाता है, लेकिन इस बार दमोह पुलिस इन अस्थियों को परिवार वालों को नहीं दे रही और वक्त भी 14 जून से अब जुलाई तक का लंबा हो गया है। वो प्रॉपर्टी विवाद होते हो 3-4 साल से चल रहे थे तो बेच के रहे थे कि हमें जो चाहने वो चाहने तो हम दे भी रहे थे, लेकिन उन्होंने लालच ने मतलब लालच में ज़्यादा वो आ गए कि हम जो भी दिए और जो भी दिए उसी वजह से मतलब पहले से कह रहे थे भंगी खें कुत्ता खें मतलब ऐसी पहले से पूरे रहते विवाद बहुत दिन से चल रहा हो 3-4 साल से, तो उसी वजह से हो सकता है कि मतलब उसी वजह से हमने मारा होगा। नहीं ऐसा विवाद नहीं है तो बोला चल लड़का तो सबके दे जाते मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल सीधे होते बिल्कुल लड़का से बोलते हो अब जाती सब कुछ कोई बात नहीं होती, हम समझ नहीं बोलते मतलब लड़का तो सबके तरह तो, लेकिन इतना विश्वासघात नहीं जा रहा इतना मतलब तो विश्वास से तो भाई गया लड़का थोड़ी कुछ करें तो हमसे करते, लेकिन कितनी जमीन है आपकी? जमीन की 60-70 एकड़ जगह मतलब 60 एकड़। क्या लगता है कि प्रॉपर्टी के कारण ही है? हाँ ये तो प्रॉपर्टी के कारण मतलब घर में कहीं निशान वगैरह मिले थे खून? हाँ खून के मकान में मिले थे, ऊपर सील कर दिया पुलिस ने, सैंपल भी लेके गए थे, रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट का आया था मतलब। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, तो वजह बेहद अजीबोगरीब नहीं बल्कि विचार करने वाली है। दरअसल नरकंकाल और लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी का DNA मैच नहीं करता। पुलिस ने बकायदा DNA कराया लेकिन वो मैच नहीं हुआ, लिहाजा पुलिस अस्थियां देने से कतरा ही नहीं रही बल्कि उनके पास कानूनी उलझन भी है। अब फिर सवाल उठता है कि आखिर DNA मैच क्यों नहीं हुआ, तो मामला फिर रोचक हो जाता है। दरअसल जयराज का जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए हुआ था। साल 2004 में लक्ष्मण और उनकी पत्नी यशोदा की शादी हुई और 4 साल बाद जब बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने इंदौर के एक IVF अस्पताल की शरण ली। यह IVF से लक्ष्मण की पत्नी को गर्भधारण कराया गया और 2008 में उन्होंने जयराज को जन्म दिया। इस दंपति के पास अब फिलहाल वो दस्तावेज भी नहीं है जो ये साबित कर सके कि उनके बेटे का जन्म इस पद्धति से हुआ और DNA भी नहीं मिल रहा। हालांकि पुलिस शांत नहीं बैठी है बल्कि कई स्तर पर जांच पड़ताल कराने के बाद अब अस्थियों को चंडीगढ़ भेजा गया है। जिस दिन बेटा घुमा था उसके अगले दिन से ही पुलिस ने इस मामले में, जैसे ही पुलिस के पास अपराध कायम हुआ था
उसमें 363 का अपराध कायम है। तो उसी दिन से पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लगातार उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तत्काल हमने FSL की टीम भेजी थी, पुलिस डॉग भेजा था, FSL सागर से टीम दो दो बार वहाँ जाँच कर चुकी है। दुर्भाग्यवश अभी तक बालक का पता नहीं चल सका है। इसी दौरान कुछ घटना के लगभग एक डेढ़ माह बाद जो है एक उन्हीं के भाई के खेत में कुछ अस्थि अवशेष मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। तो जो अस्थि अवशेष मिले, अस्थि अवशेष का जो आज की तारीख में अस्थि अवशेष किसका है जांचने का सबसे आधुनिकतम और प्रमाणिक तरीका यह है कि DNA टेस्टिंग कराई जाए। तो DNA टेस्टिंग कराई गई तो DNA टेस्टिंग की रिपोर्ट निगेटिव आई। बाद में ये पता चला कि बालक जो है IVF तकनीकी से जन्म हुआ था। तो हमने इस संदर्भ में जहाँ से इन्होंने IVF कराया था वहाँ हमने जांच किया, तो वहाँ पे भी चूँकि इनके पास कोई दस्तावेज IVF से संबंधित नहीं था तो इसलिए कोई ऐसा तथ्य वहाँ से नहीं मिल पाया कि IVF तकनीक में जो उसके जैविक माता पिता थे वो कौन थे, ये सब चीज़ें पता नहीं चल पाई। हालांकि अभी भी उसमें दोबारा हम एक टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा हमने जब चूँकि फरियादी पक्ष जो लक्ष्मण सिंह जी हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो अस्थि अवशेष मिले हैं अस्थि अवशेष उनके बालक के हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो हमने ये दूसरी तकनीक जो पहले यूज होती थी इस तरह के चीज़ों में पहचान स्थापित करने के लिए, उसको सुपरफिशियल इम्पोजिशन कहा जाता है, इसके लिए हमने अस्थि अवशेष जो है वहाँ भेजे हैं चंडीगढ़ के लिए। जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे और हम लगातार इस मामले में संवेदनशील बने हुए हैं और संवेदनशीलता से हम थाना पुलिस SDOP हटा लगातार इसमें लगे हुए हैं और जो भी फैक्ट होगा हम उसमें तदनुसार रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस मामले की जाँच करें तो यदि महिला के गर्भ में अंडे नहीं बनते हैं तो डोनेट करके लिया जाता है। ऐसे ही यदि पति के वीर्य में स्पर्म नहीं बनते हैं तो उसे भी डोनेट करके लिया जाता है। कभी ऐसी स्थिति बनती है जिसमें पति के स्पर्म के गर्भाशय में अंडे नहीं बनते हैं, तब दोनों डोनेट करके लिए जाते हैं। इन्हें लेते समय पति पत्नी को बताया जाता है कि स्पर्म और अंडे किसके हैं, इसका रिकॉर्ड भी संबंधित अस्पताल को रखना होता है। नरकंकाल मिलने और फिर लक्ष्मण पटेल द्वारा उस पर दावा किए जाने के बाद दमोह पुलिस इंदौर के उस IVF अस्पताल भी गई, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिला और अब फिर दमोह जिले की पुलिस इंदौर रिकॉर्ड खंगालने जाएगी। इन पूरी प्रक्रिया पर डॉक्टर का क्या कहना है जानिए। IVF टेक्निक जो है वो ये है कि पुरुष से शुक्राणु लेना और महिलाओं से ऊसाइट अंडे लेना, ये दोनों लेके बाहर लैब में उसको भ्रूण बनाया जाता है। भ्रूण बनने के बाद वो ट्रांसफ़र होता है बच्चेदानी में और एक शिशु का जन्म होता है। अब बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स कहलाता है वो ये है वो किसके शुक्राणु है और किसका ऊसाइट है या अंडा है, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहलाते हैं। IVF टेक्निक क्यों हुई है इस पर डिपेंड करता है कि क्या हुआ होगा या आगे क्या है। मान लीजिए यदि स्पर्म डोनेशन है और ऊसाइट डोनेशन है, मतलब अंडे भी पुरुष के शुक्राणु भी डोनेट करके लिए गए हैं और महिलाओं के अंडे भी डोनेट करके लिए गए हैं, तो जो भ्रूण बना है वो दोनों डोनेशन से बना है, तो जो पेरेंट्स ने जन्म दिया है उनसे वो बायोलॉजिकली मैच नहीं करेगा, पर बच्चा उनका कहलाएगा क्योंकि उनने जन्म दिया और आगे की जो भी कहानी है। पर उससे यदि अपन सोचें कि बायोलॉजिकली जो है वो पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं तो लीगली वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति स्पर्म डोनेशन या जो भी महिला ऊसाइट डोनेट करती है तो वो उसमें लिखा जाता है डिस्क्लेमर में कि लीगली उनका कोई उस पर अधिकार नहीं है, वो सिर्फ एक अपना टिश्यू डोनेट कर रहे हैं। तो वैसे एक वे पॉसिबिलिटी की केस में जिसमें कि दोनों शुक्राणु और अंडा दोनों ही डोनेट करके लिए गए, उसमें बायोलॉजिकली मैच नहीं होगा IVF के केस में। मान लीजिए स्पर्म डोनर है तो ऐसे में माता या पिता में से किसी एक का भी मैच हो सकता है। हाँ, यदि स्पर्म डोनर है ऊसाइट माँ का है तो माँ से मैच होगा, यदि ऊसाइट डोनर है स्पर्म फादर का है तो फादर से मैच होगा। फादर के से मैच होने को पैटर्निटी टेस्ट और माँ से मैटर्निटी टेस्ट कहलाता है।
अब साफ है जिस IVF पद्धति से ये टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ उसमें पुरुष या महिला के अंडे या शुकाणु लक्षण या यशोदा के नहीं थे, लिहाजा उनका DNA मिलना संभव नहीं है। वही इंदौर का अस्पताल प्रबंधन रिकॉर्ड नहीं दे पा रहा, ऐसे में पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई है। तो वही एक माता पिता मन्नतों के बाद आधुनिक तकनीक से बेटे को जन्म देने के बाद उसे खो चुके हैं और अब धार्मिक रीति रिवाज के तहत उसका क्रियाकर्म भी नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही पुलिस को भी इस अंधे कांड की गुत्थी सुलझाना टेढ़ी खीर है कि जयराज की हत्या हुई, कोई दुर्घटना हुई या पुलिस को गुमराह करने किसी और का नरकंकाल खेत में डाल दिया गया।